Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karva, and in this video, I'm going to talk about how you should be making notes in order to prepare for UGCNet English exam. I know that all of you are really working hard in order to crack this exam. बट क्या आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में ये देखते हैं कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आता क्या आपने ये देखा है कि इतनी सारी चीजें के पढ़ने के बावजूद आप हर बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज आप जो पढ़ते हैं और जो एग्जाम में आता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या आप पढ़ने के बावजूद ये देखते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करने की आप वही वही चीजें पढ़े जा रहे हैं बार बार एंड हर बार आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते सो so, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी जिसे यूज करके आप रेलिवेंट डेटा पढ़ेंगे इस एग्जाम के लिए बिकॉज देखिए इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इज रियली रियली वास्ट इतना वास्ट कि अगर आप जन्म एक पूरा जन्म भी उस डेटा को पढ़ें तो भी शायद पूरा सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे तो हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है हमें सिर्फ वो चीज़ों पे अपना टाइम एंड एनर्जी लगाना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपने एक राइटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हो बहुत सारे इंटरनेट पे पेजेस पढ़े हो बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो बट उसके बावजूद जब आप उस राइटर पर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का सही जवाब आता ही नहीं है इन्स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने उस राइटर के बारे में इतना पढ़ा कि आप पी कर सकते हैं. That is because आपको राइट right स्ट्रेटेजी नहीं पता है इस में आप किस तरीके से पढ़ें, किन चीजों पे फोकस करें सो दैट जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपने जो भी पढ़ा है वो इतना रेलिवेंट हो कि आप उन्हीं में से देखेंगे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं So, चलिए स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट स्किप व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स फॉर एनी राइटर इज द हिस्टोरिक सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज इन विच दैट राइटर वाज राइटिंग मैं आपको बताती हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमें पता है कि लिटरेचर का जो पेपर है वो इस तरीके से यूजीसी नेट का डिजाइंड होता है कि आप सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में नंबर नहीं ला सकते वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड है अगर आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में सब कुछ रट भी लिया लेकिन आपने विलियम शेक्सपियर को एज अ पर्सन समझा ही नहीं तो आप देखेंगे कि आप उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे इसीलिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड करेक्टली आंसर सच क्वेश्चन आपको विलियम शेक्सपियर जिस एज में पैदा हुआ था जिस एज में लिख रहा था उस एज का सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए So, आपको पता होना चाहिए ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आ, रेनेसा था वो एक्चुअली में था क्या

क्या आपको नहीं लगता कि वो हमारे इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट को झलकाती है फॉर एग्जाम्पल थ्री इडियट्स जब बनी तो क्या एक्चुअली उस मूवी को देख के कोई इंडिया के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में समझ नहीं सकता वो समझ सकता है कि किस टाइप के कॉलेजेस हैं किस टाइप की लाइफस्टाइल है कॉलेज स्टूडेंट्स की सिमिलरली आप अगर आयुष्मान खुराना की कुछ मूवीज देखेंगे जो मिडिल क्लास फैमिलीज में बेस्ड है आप देखेंगे कि एक्चुअली इंडियन मिडिल क्लास फैमिली उसी ढंग से सोचती है जैसा मूवीज में डिपिक्टेड है And इसी तरह बुक्स भी रिफ्लेक्शन होती है आपकी सोसाइटी का आप सोच के देखिए कि अगर आपको विक्टोरियन पीरियड के पॉलिटिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिक मूवमेंट्स के बारे में पता है रिफॉर्म बिल के बारे में पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता है तो क्या आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा चार्ल्स डिकिन्स के नॉवल्स को समझना या मिल ऑन द फ्लॉस को समझना बिकॉज हम एक्चुअली रिलेट कर पाएंगे कि ओ चार्ल्स डिकन्स इसलिए ये चीजें लिख रहा था बिकॉज उस जमाने में ये चीज़ें हो रही थी जब आप जेन ऑस्टिन को पढ़ते हैं या जब आप शार्लेट ब्रॉन्टे को पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि उस टाइम की फीमेल्स के दिमाग में चलता क्या था हाउ दे वो रिस्ट्रिक्टेड इसीलिए शार्लेट ब्रॉन्टे ने शायद जेन आयर लिखी इसीलिए जेन ऑस्टिन ने शायद प्राइड एंड प्रेज में एलिजाबेथ के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया सो so, इस तरीके से सोशो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिक मूवमेंट ये सब आपको पता होना चाहिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी राइटर के से वर्क को मत पढ़िए उस राइटर की बायोग्राफी को भी पढ़िए बायोग्राफी से बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो पूछी जाती है प्लस बायोग्राफी से आपको उस राइटर के वर्क्स की आधी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आएगी फॉर एग्जाम्पल विलियम ब्लेक एक बहुत फेमस रोमांटिक पोएट है जो काफी सारे इलास्ट्रेटेड बुक्स लिखा करते थे पोएट्री लिखते थे साथ में डायग्राम्स uh, या फिर ड्रॉइंग्स uh, होती थी उस पोएट्री को डिपिक्ट करते हुए इन पिक्टोरियल फॉर्म अब आप सोचेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे याद करनी है मेमोराइज करना है कि ऐसा कौन सा राइटर था जो इलास्ट्रेशन बनाता था अपनी बुक्स के साथ बट अगर आपने कीट विलियम ब्लेक को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप समझेंगे कि विलियम ब्लेक की जो परवरिश थी वो एक ड्राइंग स्कूल में हुई उस स्कूल में ड्राॅइंग्स पे बहुत फोकस किया जाता था देन वो स्कूल से जब घर आते थे तो वो एक प्रिंटिंग शॉप में बैठते थे जहाँ पे प्रिंट्स निकाले जाते थे इन दोनों चीज़ों की वजह से उनको ड्राॅइंग में इलास्ट्रेशन बनाने में बहुत इंटरेस्ट आया एंड यही सेम चीज़ उन्होंने अपने करियर में अडॉप्ट की सो so, आप देखिए अगर आपने ये समझ लिया तो क्या आपको लगता है कि आपको कभी ये मग अप करना पड़ेगा कि इट वॉज विलियम ब्लेक हु पब्लिशिंग इलास्ट्रेटेड बुक्स बिल्कुल भी नहीं इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है एक राइटर के बारे में जानने के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है दैट आर द इंपॉर्टेंट अवॉर्ड दैट पर्सन हैज गॉट अगर किसी राइटर को पुल्ज प्राइज मिला है बुकर्स प्राइज मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर तो आपको पता होना चाहिए वो बुक्स के नाम जिसकी वजह से उसे ये अवार्ड दिया गया या उसने ऐसा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया जिस वजह से उसे ये अवार्ड दिया गया क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स समरीज पढ़ते जाते हैं बुक्स पढ़ते जाते हैं बट इन चीजों को कहीं नोट डाउन नहीं करते आपको एक नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए हम फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे करेंगे बहुत सारे डिटेल्स जैसे कि उस राइटर के फादर का नाम क्या था मदर का नाम क्या था कौन से स्कूल में उसने पढ़ाई करी ये सब कभी नेट में नहीं पूछा जाता हम जब अपना ऑनलाइन कोर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सो वी कि हम अपने कोर्स के लेक्चर्स के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दें आप खुद सोचिए हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जिससे आप नेट को क्लियर कर सकते हैं तब भी हमारा कोर्स 200 हंड्रेड आवर्स का है अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे जिसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है है तो क्या आपको लगता है कि आप कभी भी लिमिटेड पीरियड में ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट right गाइडेंस लें आपको पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना जो नहीं पढ़ना उसको ना पढ़ने की वजह से आप इतना टाइम सेव करेंगे कि आप वो सारी चीजें पढ़ पाएंगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं एक राइटर की बायोग्राफी के बारे में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है उसका पेन नेम बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनको टाइटल्स दिए गए थे फॉर एग्जाम्पल शेली को बोला जाता था सेज ऑफ हाई गेट तो आप बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेज ऑफ हाईगेट किसे टाइटल दिया गया था आपको पता होना चाहिए बहुत सारी विक्टोरियन फीमेल राइटर्स थी जो पेन नेम के पीछे लिखा करती थी उनका रियल नाम कुछ और था जॉर्ज एलियट्स शार्लेट ब्रॉन्टे इनका रियल नाम अलग था ये लिखते किसी और नाम के पीछे थे क्यों क्योंकि उस टाइम पे फीमेल वॉइस को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था तो वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए मैंने बहुत बार नेट में क्वेश्चन देखे हैं वो चार राइटर्स के रियल नेम देंगे जो उन्हीं चार राइटर्स के पेन नेम्स देंगे और बोलेंगे आपको मैच करना है ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है इसीलिए हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हमारी साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लिस्ट ऑफ़ राइटर्स डाल रखी है हर उस राइटर को आप इसी ढंग से पढ़िए जिस ढंग से मैं आपको इस लेक्चर की सीरीज़ में बता रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाने तो आप देखेंगे कि हर राइटर पर आप बहुत रेलिवेंट नोट्स बना पाएंगे सिमिलरली जब हम बात करते हैं राइटर की बायोग्राफी पे तो ये जानना जरूरी है उसका चाइल्डहुड कैसा रहा यह जानना जरूरी है उस पर इन्फ्लुएंसेस किस किस चीज़ों का हुआ जैसे कि कीड्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीक लिटरेचर का जो बहुत एविडेंट है उसकी उनकी बहुत सारी फेमस पोएट्री में जैसे ईव ऑफ सेंट एग्नीस जब आप वो पोएट्री पढ़ेंगे इतने ज़्यादा ग्रीक रेफरेंसेज है रोमन रेफरेंसेज है बिकॉज कीड्स actually used to love reading Greek literature so much. और वो सारी चीज़ें उनके writings में दिखती है उनके कोई भी famous quotes हैं आपको वो याद होने चाहिए Oscar Wilde का एक बहुत famous quote है that we all are in gutter, but some of us are looking at the stars. ये एक ऐसा कोट है जो बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा लेकिन जब आप ऑस्कर ऑस्करवाइल्ड को पढ़ रहे हैं तो क्या आप ऐसे कोट्स भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज जनरली हम ऑस्कर ऑस्करवाइल्ड को किसी बुक से पढ़ते हैं उसमें हमने उसके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ लिया और हमने सोचा हमने ऑस्कर ऑस्करवाइल्ड को समझ लिया है बट क्या ये कोट हमें पता है क्योंकि अगर ये कोट नहीं पता और यही कोट एग्जाम में आ गया तो यू विल लूज द मार्क्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव डिवोटेड सो मच टाइम स्टडिंग वाइल्ड तो कोशिश करिए कि जब भी आप किसी राइटर को पढ़ते हैं तो उनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ें उन पर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ है वो पढ़ें उनकी लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग इंसिडेंसेस अगर हुए हैं आप वो पढ़ें उनके कोट्स याद रखें उनका पेन नेम था वो याद रखें और अगर उन्हें कोई अवार्ड्स मिले हैं तो वो भी याद रखें ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप बोल सकते हैं कि आपने एक राइटर को बहुत अच्छे से समझा है अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं आप लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर राइटर किसी और राइटर से इंस्पायर्ड था या किसी और राइटर को फॉलो करता था या डिसअप्रूव करता था उसकी राइटिंग्स को फॉर एग्जाम्पल विलियम ब्लेक ने मिल्टन को बहुत क्लोजली स्टडी किया एंड उसके बारे में एक कॉमेंट पास किया दैट मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट पैराडाइज लॉस पढ़ने के बाद उन्होंने ये चीज़ मिल्टन के बारे में लिखी नाउ आप विलियम ब्लेक को समझ भी ले लेकिन अगर आपने विलियम ब्लेक और मिल्टन के बारे में उनका क्या सोच विचार था इसे ढंग से नहीं समझा इसे अपने नोटबुक में नहीं लिखा इसे याद नहीं किया तो हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए यूजीसी नेट एग्जाम इज नॉट सिंपल जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा वो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जो मोस्टली लोग मिस आउट करते हैं सो so, हमेशा किसी भी राइटर को आप पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो देखिए कि क्या लिंक है क्या रेफरेंसेस है एक राइटर का दूसरे राइटर पे क्या इन्फ्लुएंस है एक राइटर का दूसरे राइटर पे। हो सकता है बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ कहा हो या फिर हम जब रोमांटिक राइटर्स को पढ़ते हैं तो अलग अलग रोमांटिक राइटर शेली वर्स वर्थ कीट्स सब अलग अलग राइटर्स को फॉलो करते थे कईयों को अच्छा मानते थे कईयों को बुरा मानते थे और उन सबके बारे में उन्हें कुछ ना कुछ कॉमेंट किया है तो हमेशा इस इंटरलिंक्टनेस को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाइए बहुत बार आप देखेंगे कि हंड्रेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर टू में उसमें से डिरेक्ट फिफ्टीन ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक राइटर ने दूसरे राइटर के बारे में क्या बोला वो आपको कोर्ट्स में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताइए ये शब्द किस राइटर ने किसके लिए बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन चीजों को ध्यान में रखें इन्हें अपने नोट्स का पार्ट बनाएं नाउ विद दैट नोट आई वुड लाइक टू टेक योर ली फ्रॉम दिस लेक्चर आई डोंट वांट टू मेक इट रियली लॉन्ग रियली टायर्डिंग फॉर यू नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम गोइंग टू सून रिलीज सीरीज इन दिस सीरीज पार्ट सेकंड वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर एसेंशियल थिंग्स विच यू शुड नॉट मिस आउट वाइल मेकिंग नोट्स अगर आपको और कुछ भी जानना है कोई और आपके डाउट्स है नोट मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड टू फील फ्री टू कॉल मी ऑन द नंबर डिस्प्लेड अब आई वुड लव टू असिस्ट यू अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो टू माई वेबसाइट अर्पिता करवा डॉट free uh, syllabus that we have displayed which contains about 1000 writers and topics that you should study to clear this exam that list is absolutely free of cost available on the website you can go download it and start preparing as per the details that i've shared in this video with that note i would like to take your leave i'll meet you very soon in the next video lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com